नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। खबर मुजफ्फरनगर से है। जनपद मुजफ्फरनगर की शहर कोतवाली में आज शासन के दिशा निर्देश अनुसार मिशन शक्ति को मजबूत व बढ़ावा देने के लिए आगामी त्योहारों के मद्देनज़र सीओ सीट कुलदीप सिंह व शहर कोतवाल योगेश शर्मा व महिला एसआई पायल शर्मा ने महिलाओं की एक शांति समिति की कार्यकारिणी बनाई, जो होली, दीपावली, दशहरा, ईद और त्योहारों पर पुरुषों की तरह ही पीस कमेटी की तरफ जनसेवा का कार्य करेंगे। महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार व छेड़खानी, अश्लील फप्तियां, घरेलू हिंसा आदि सहित कई मामलों में महिलाएं पीस कमेटी के द्वारा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें हल करने में निभाएंगी। पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं की पीस कमेटी बनी है, जिससे पुलिस के साथ साथ महिलाओं में भी काफ़ी अच्छा संदेश जा रहा है। महिलाएं काफ़ी उत्साहित हैं कि पहली बार पुलिस ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है और उनके लिए पीस कमेटी बनाई है। महिलाओं ने कहा कि हम लगातार पुलिस का साथ देंगे और जनता को समझाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। पुलिस द्वारा इन महिलाओं की सहायता के लिए, उनकी सहायता लेने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जा रहा है, जिसमें उनका व्हाट्सएप नंबर ऐड होगा, जिसमें समय समय पर सूचना देकर इनकी सहायता ली जाएगी। आज शहर कोतवाली में महिला पीस कमेटी में दर्जनों संभ्रांत वरिष्ठ समाजसेवी हिंदू मुस्लिम समुदाय की महिला मौजूद रहीं। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए मुजफ्फरनगर से विशाल प्रजापति की रिपोर्ट। गुलिस्ता परवीन। गुलिस्ता जी, क्या मामला था जो आज पुलिस या कोतवाल में मीटिंग हुई? ये यहाँ पे मिशन शक्ति के लिए महिलाओं की टीम गठित की गई है, जिसमें कि कहीं पे भी कोई गैर कानूनी कोई काम हो या घटना हो तो उसमें हम उनका सहयोग करें, एक सेतु का काम करें। तो जो मतलब जो बातें उनके सामने उभर कर नहीं आ पाती हैं, हम उनमें उनका सहयोग करें, उनसे दोनों तरफ से आप बातों को पता करके और उनका सहयोग करें। क्या किसी संगठन से भी है आप? जी। किससे? मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, RPI से, जॉइंट BJP से, और बरकत समूह है मेरा, ग्रुप चलाती हूँ मैं, और BCG BC में मैंने ट्रेनिंग की है। आप भाजपा से भी हैं? जी। क्या है भाजपा? RPI में जिला अध्यक्ष, महिला मोर्चा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, महिला मोर्चा। बहुत अच्छा लगा, महिलाओं के लिए एक नया अलग उभर के आया है, पहलू है, रास्ता खुला है। और इसमें एक ये भी है कि मतलब जो बहुत सी घटनाएं ऐसी होती थी ना, जो सामने नहीं आ पाती थी, औरतें और बच्चे, लड़कियां खासतौर से ज़्यादातर वो अपनी बात नहीं कह पाती थी, तो हमारे ज़रिए से वो अपनी बात कह पाएंगी। हाँ, और एक रास्ता अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी अच्छी जिम्मेदारी मिली है, बहुत अच्छी मिली है, समाज के लिए भी अच्छी है और एक अच्छा नेक काम करने के लिए भी अच्छी है। जी, आपका नाम? मनीषा शर्मा। मनीषा जी, आज सीओ साहब ने कोतवाली में मीटिंग ली है, क्या है, दो मीटिंग है, क्या? ये महिला सशक्तिकरण के उसमें है, और जो छोटे बच्चों और या महिलाओं को जो भी दिक्कत हो, जैसे जो भी मतलब छेड़खानी से समस्या हो या फिर कोई भी समस्या हो, जो उसमें योगदान के लिए कि जो हमारे अपने एरिया में कोई अगर ऐसी घटना होती है तो हम उसमें प्रशासन की मदद करें। अच्छा, एक बात बताइए, पहली बार महिला समिति पुलिस ने बनाई है। हाँ जी, पीस कमेटी बोलते हैं। हाँ जी, कैसा महसूस दे रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे अपने क्षेत्र से इस चीज के लिए चुना गया। जी, आपका नाम? मेरा नाम अलका शर्मा। अलका जी, आज कोतवाली में मीटिंग की गई है सीओ साहब के द्वारा, क्या था मामला, क्यों बुलाया गया? सीओ साहब ने इसलिए बुलाया है कि मिशन शक्ति के तहत एक महिलाओं की टीम बनाई जा रही है, जिसमें वो महिलाओं को जोड़ेंगे और कहीं भी किसी भी कोई भी लड़कियों के साथ अपराध होता है या किसी महिला के साथ कोई अपराध होता है तो उसमें हम सब लोग मिलके जो है प्रशासन की सहायता करेंगे और हम वक्त से पहले वहाँ पहुँचेंगे और उनकी जो भी दिक्कत होगी, जो भी परेशानी होगी, उसको अच्छे से समझेंगे और उसका जहाँ तक है पूरा फ़ायदा प्रशासन को भी होगा और आम जनता को भी मिलेगा, समाज को भी मिलेगा। तो हमारी यही मतलब प्रशासन ने जो है एक कमेटी बनाई है जिससे उनको हम लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। महिलाओं की मीटिंग ली गई है जो आज जनपद की समाज सेवी है और प्रतिष्ठित, क्या है सर? ये एक महिला सुरक्षा समिति का गठन जो शासन के आदेशानुसार शासन के अनुरूप सभी थानों में किया जा रहा है जी, उसी के अनुपालन में आज कोतवाली क्षेत्र में एक बैठक की गई जी, जिसमें हमने क्षेत्र की अलग अलग व्यवसाय से जुड़ी हुई जो हमारी मुखर महिलाएं हैं, जिम्मेदार महिलाएं हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है और एक महिला सुरक्षा समिति का गठन किया गया है और एक मीटिंग करके उनको उनकी कार्य योजना से और उनके जो उनके वर्क रहेंगे उसके विषय में उनको जानकारी। सर, क्या
प्रयोजन है इस मीटिंग का महिलाओं के साथ समिति विकास? इस मीटिंग का यही प्रयोजन है कि जब कभी कोई पर्याय स्थिति आती है तो उस स्थिति में जो प्रशासन और जो जनता है उसके बीच में एक संवाद ब्रिज का काम ये लोग करें जी। और जो क्षेत्र में जो कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार की है जो महिलाओं से जुड़ी है उनके बारे में भी उनको जानकारी दें, महिलाओं को बच्चियों को प्रचार प्रसार उसका हो और उनको जानकारी हो कि हाँ कौन सरकारी योजना ऐसी है जिसका हम लोग लाभ। सर पुरुष समिति तो बनती है जैसे होली दिवाली पर बनती है, पहली बार महिला समिति पुलिस बना रही है तो क्या क्या समझते हैं? हाँ चूंकि जो महिला संबंधी अपराध है उसको लेके बहुत ही संवेदनशील हम लोग हैं और सरकार उसको लेके बहुत ही संवेदनशील है, तो उसी को ये भी एक मिशन शक्ति का एक योगी जी का ही एक नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट रूप है उसका सेकंड स्टेप है।